आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है ना फॉर्म्स को थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद इसको हम फुली फंक्शनल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जैसे हमने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो है वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है और जो हमारे पास प्रॉप्स होती हैं यानी प्रॉपर्टीज जिसको हम कहते हैं वो अनम्यूटेबल होती हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कॉपीज बना रहे होते हैं और एक से ज्यादा वैल्यूज को हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी वो जस्ट लाइक जो है वो एक एरे जो है वो फॉर्म कर रहा होता है। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। तो आज हम ये देखेंगे कि हम उसको रिट्रीव किस तरीके से करेंगे, उसको प्लॉट किस तरीके से करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसके अंदर हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हम एक क्लास बना रहे हैं फॉर्म की, कंपोनेंट वाइज डेवलपमेंट करते हैं चीजों को, हम अलग अलग बनाते हैं। जैसे हम फॉर्म अलग बनाएंगे, टेबल अलग बनाएंगे यानी ग्रिड जिसको आप समझ लें, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और जिस ऐप के ऊपर हम कंबाइन करेंगे वहां पर हम फॉर्म का इवेंट यूज करेंगे सबमिट का, यानी जो वैल्यूज जहाँ सबमिट होंगी वो वहां पर स्टोर होंगी पोस्टल डॉम के अंदर और उसी में जो हमारा ग्रिड होगा उसके अंदर हम उसको रिट्रीव करेंगे। ये हमारा जो है बेसिक फिनोमिना है आज की एप्लीकेशन का। तो ये लास्ट में उन्होंने पढ़ लिया था कि हम जो है ना जब भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसको स्टेट्स की फॉर्म के अंदर जो है स्टोर करते हैं और स्टेट जो बनती है हमारे पास वो बनती है कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी हम जितनी भी स्टेट्स वगैरह बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं और उसके अंदर हम जो है ना वो वैल्यूज को जो है ना वो स्टोर कर रहे होते हैं कि हमने लास्ट टाइम भी जो है ना वो इसको डिस्कस किया था। अब इसके अंदर जो है स्टेट्स की जो होती है हमारे पास कॉपीज होती है, स्टेट्स की क्या होती है हमारे पास कॉपीज होती है, यानी हम एक से ज्यादा जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो हमारे पास स्टोर हो रही होंगी, उसको भी हमने लास्ट टाइम जो है ना वो डिस्कस किया था। यही वजह है कि यहाँ पर हमें किसी एक्सटर्नल डेटाबेस की जरूरत नहीं है, हाँ वर्चुअल डॉम से जो ना उसकी डेटा को रिट्रीव कर सकेंगे और उसको उठा सकेंगे। हाँ इसके अंदर होता यह है कि हमारे पास जो प्रॉप्स हैं यानी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं वो जो है आपके पास म्यूचुअल होती है और उसके अंदर वो चेंज होती है। जैसे हम जैसे मल्टीपल जो कंपोनेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं, जैसे इससे पहले जो हमने मैसेज वाली क्लास के तो उसमें जो मैसेज की वैल्यू होती है वो ओवरराइड वो हमारे पास जो है म्यूटिपल स्टेट्स के अंदर चला जाता है। अच्छा अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि हमने ये तमाम जितने भी टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह हैं इनकी वैल्यूज को हमें स्टोर करना है तो हमने यहाँ पर बना ली थी, उसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू भी इसके अंदर सेट कर दी थी और फिर उसके बाद हमने ये किया था कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनके हमारे पास फॉर्म का सबमिट का इवेंट जब कॉल होगा तो उसके अंदर प्रॉम्प्ट्स के अंदर उसको। अच्छा इसके अलावा हमने यहाँ क्या था कि रेंडर इवेंट के ऊपर, रेंडर क्या करता है, हमने एक फंक्शन पढ़ा था जो कि जब एप्लीकेशन है तो सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो कि इनिशियलाइजेशन होती है, उसको रेंडर के इवेंट कॉल होता है। रेंडर के अंदर हम प्लॉट करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो इनिशियल वैल्यूज है नेम, ईमेल, पासवर्ड, जॉब एड्रेस, कंट्री वगैरह प्रॉपर्टीज के अंदर एज ए कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू स्टोर किए हैं वो यहाँ पर पास कर दिए और फिर उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर रिट्रीव कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैल्यू के अंदर हमने यहाँ लिखा हुआ नेम, तो समझ लो यह है कि जो वैल्यूज में स्टोर हुई हुई होगी, जो इनिशियल वैल्यूज में स्टोर हुई हुई वो आ जाएगी या सबमिशन जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इनपुट का जो टेक्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, फॉर्म का जो एलिमेंट नजर आ रहा है, ये पुराना ही है, ये पुराना ही है और इसको हम पहले देना कर चुके हैं। फिर इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं वो ये है कि जैसे ऑन सबमिट के ऊपर हम यहाँ पर हमने उसको बताया कि इसको हैंडल कौन करेगा, ऑन सबमिट का फॉर्म, ऑन फॉर्म सबमिट का इवेंट इसको कौन करेगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इनपुट वैल्यूज के इनिशियलाइजेशन किया। अच्छा जैसे ही कोई वैल्यू चेंज होगी तो हमने इसको हैंडल चेंज का जो इवेंट है वो इसको कॉल कर रहा है और इसके जो वैल्यूज है उनको वो कॉपी के बाद। इसी तरीके से हमने तमाम तीन टेक्स्ट फील्ड्स थी उनको हमने यहाँ पर जो है ना वो बनाया है, जैसे ईमेल हमने बनाया है, पासवर्ड हमने बनाया है, इसके अलावा हमने जो है ना जॉब्स हमने बनाया, ये सारी चीजें हमने बनाया, टेक्स्ट एरिया भी हमने बनाया।
ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन गया फॉर्म का, या हम यूज नहीं कर रहे, ये अलग से एक कंपोनेंट बन जाएगा फॉर्म का, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकते हैं। ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मुझे जहां पर भी कोई फॉर्म बनाना होगा तो ये रेडीमेड मेरा फॉर्म बन गया। अब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फील्ड मुझे डालनी है वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, या जो कोई मजीद चेंज करनी है, यानी एक सैंपल जो है ना वो मेरे पास मिल गया, अब इसके अंदर मजीद फंक्शनैलिटी जो है ना वो हम ऐड कर सकते। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके आगे चलते हैं। अब हम एक और कंपोनेंट बना रहे हैं, यानी फॉर्म का जो डाटा है वो किसमें स्टोर होगा? वो स्टोर होगा टेबल, यानी वो ट्री होगा ग्रिड के फॉर्म के अंदर, टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हम एक और क्लास बनाएंगे, यानी जो पहली जो क्लास थी वो हमारी थी फॉर्म डॉट जेएस की, वो आपने देखा कि हम किस तरीके से इसके अंदर यूज करेंगे, और जो दूसरी क्लास हम यहाँ पर बना रहे हैं वो बना रहे हैं टेबल डॉट जेएस। ये अभी हम बनाएंगे, एप्लीकेशन चल रही है उसके अंदर उसको डिजाइन करेंगे। टेबल डॉट जेएस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कांस्टेंट वेरिएबल हमने लिया। कांस्टेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल होते हैं, यानी जैसे आप चाहे म्यूचुअल, अनम्यूचुअल के बाद एक नई चीज आ गई जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वेरिएबल्स है। टेबल हेडर हमने बना दिया कांस्टेंट का, और उसके अंदर हमने हेडिंग लगा दी जनाब, नेम, ईमेल, जॉब, एड्रेस, कंट्री, रहो। तो इसके अंदर इसको हम सी एच टी एम एल भी कहते हैं, यानी ऐसे एच टी एम एल यूज करते हैं, वो आपकी जावा स्क्रिप्टिंग एच टी एम एल है। और इसके अंदर जो ना हम मिक्स, यानी जावा स्क्रिप्ट प्लस एच टी एम एल जो ना उसका कोड जो है वो दोनों मिलके, ये जस्ट हमने एक वेरिएबल बना दिया टेबल में। ओके क्लियर है? ये नई क्लास बना, आगे चलते हैं। अब हम जो है इसके ऊपर आ गए जनाब, कांस्टेंट टेबल बॉडी, एक और वेरिएबल बना रहे हैं टेबल बॉडी का, यानी आगे हमने बनाया है टेबल हेडर का, अब टेबल बॉडी का बना रहे हैं। इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा हमारे पास वर्चुअल डॉम के अंदर, उससे हम डेटा को रिट्रीव करेंगे, जिस तरह से हम फॉर ईच का एक लूप लगाते हैं और उसमें तमाम डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ रॉस की फॉर्म के अंदर हम डेटा को रिट्रीव करेंगे प्रॉप्स, यानी प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हमारे पास वर्चुअल डॉम के अंदर जो है ना वो डेटा स्टोर है, कैरेक्टर डेटा, उसको हम कैरेक्टर डेटा का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर मैप की मदद से, यानी मैप का मतलब भी होगा कि हमारे पास बहुत सारी रॉज वहां पर स्टोर होंगी, ठीक है। अपना इंडेक्स जो है खुद मेंटेन करता है, हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, यानी वर्चुअल डॉम के अंदर जो रिकॉर्ड्स आपके पास सेव होंगे वो ऑटोमेटिकली अपना इंडेक्स मेंटेन करेंगे। तो हम इंडेक्स वाइज डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो ये ग्रिड पॉपुलेट करते हैं आप, जिसमें हमारी रॉ के अंदर जो नेम, ईमेल, जॉब, एड्रेस, कंट्री और उसका डेटा होगा वो वहां पर नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास यानी दोनों चीजें हो गई, एक हो गया आपके पास टेबल हेडर, ये भी कुछ कुछ भी बनानी है, जस्ट हमने वेरिएबल बनाए गए उसके, और दूसरा हो गया आपके पास टेबल बॉडी, तो वर्चुअल डॉम से आपके पास डेटा को उठा के ले जाए। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टेबल प्रॉप्स। अब इसके अंदर ये हमारे पास एक और हमने वेरिएबल ले लिया यहाँ पर कांस्टेंट टेबल प्रॉप्स का, और इसके अंदर हम टेबल को ही रिटर्न कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो है ना कंपोनेंट जो है ना दो किस्म के हो सकते हैं, एज अ फंक्शन एज अ क्लास। इससे पहले जो हम कंपोनेंट रिटर्न करते थे वो एज अ क्लास, ये वाला जो आप देख रहे थे कंपोनेंट्स जो फॉर्म के अंदर देखा है हमने, वो क्लास, ये क्लास है जो किस तरीके से कंपोनेंट बना हुआ और आखिर में हमने इसको रिटर्न कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑफ इस रिटर्न।
अब ये जो टेबल है हमारे पास, ये एज अ फंक्शन हमने कॉन्स्टेंट टेबल प्रॉप्स किया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दोनों चीजों को यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं विद इन द बॉडी ऑफ द टेबल, और फिर हमने सिंगुलर टेबल हेडर को प्लॉट किया है, और उसके बाद हमने टेबल बॉडी क्लियर प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास जो है ना मेन एप्लीकेशन है जहाँ पर हम सबको जो है ना वो यूज करेंगे। उसके अंदर हमने क्या किया है कि जो हमारी दो क्लासेस हैं टेबल की और फॉर्म की, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट मेन कंपोनेंट ही होगा, वो अपने सब कंपोनेंट्स को कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन कंपोनेंट है एप डॉट जेएस का, जो कि यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन होगी टेबल की और फॉर्म की, कॉल करेगा उसी डायरेक्टरी में रखी हुई होगी, और उसके अंदर हमने स्टेट्स मैनेज कर ली, कैरेक्टर्स नाम के वेरिएबल की जिसमें हम डाटा को स्टोर करेंगे, क्योंकि अब रिमूव कैरेक्टर जो इंडेक्स रिमूव होगा ये इसको स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सेट स्टेट के अंदर क्या किया कि जो भी डाटा हमारे पास आएगा उसको ये स्टोर करेगा। सबमिशन के ऊपर जो है ना हैंडल ऑन सबमिट के ऊपर जो हमारे पास डाटा वहां से आएगा, कैरेक्टर के अंदर कंप्लीट एक एरे होगी और उसको ये डाटा। उसके बाद हमने यहाँ पर रेंडर का फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि इन दोनों चीजों को प्लॉट करेगा, और उसके अंदर हमने टेबल को कॉल किया है, ठीक है। टेबल के अंदर हमारे पास दोनों चीजें मौजूद है, आपके पास फॉर्म भी मौजूद है और आपके पास ग्रिड भी मौजूद है, ये उसके अंदर वन बाई वन कैरेक्टर डाटा जो वहाँ कॉल हो रहा था उसको यहाँ पर कॉल इंसर्ट कर रहा है, और इस मेन यूनिवर्सल डॉम या मेन कंपोनेंट्स के अंदर वहां जो आप देख रहे थे ना करेक्टर डाटा जो पास हो रहा है हमारे पास वो एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं करेक्टर डाटा आ कहाँ से रहा है, ये ऐप डॉट जेएस से आ रहा है। ऐप डॉट जेएस जो है ना इसके अंदर डाटा को स्टोर कर रही है, और उसके पास इसको अभी कुछ इस किस्म की चीज आपके पास पता रही, अभी हम इसको चला के देखते हैं फिर आपको मजीद ये समझ में आएगा। अपनी एप्लीकेशन की तरफ दोबारा आ जाते हैं। अब आज की क्लास के अंदर जो है ना एज अ नोट्स मैं आपको ये दोबारा दे दूंगा, हॉपर न्यूज कॉपी किया। कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट, इसको जो लास्ट एप्लीकेशन पड़ी भी होगी वो स्टार्ट होगी। चेंज करते हैं अपना प्रोविजन रिपोर्ट खोल लेते हैं। एप्लीकेशन इसमें खुली हुई है, ये app.js की फाइल
की कर लेते हैं क्योंकि ये चेंज करने वाले हैं। एप थ्री का नाम दे देता हूं, उसके बाद यहाँ पर हम क्लासेस बनाते हैं। पहली जो क्लास बनानी है हमें तो फॉर्म डॉट जेएस क्लास बनानी है, सोर्स में फाइल हमने बना ली कॉपी कर देते हैं। तो ये जो है ना हमारी पहली क्लास सब बन गई। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है ना बनाएंगे, एक और फाइल ले लेते हैं नाम रखना है टेबल डॉट जेएस। कॉपी कर देते हैं,
तो ये भी हमने जो कंपोनेंट को एज अ क्लास सेपरेट किया, ठीक है जी। इसके बाद एक और क्लास लेते हैं हम, एज अ फंक्शन हम यूज करेंगे, app.js, बल्कि इसको तो हम डायरेक्ट इसमें कॉपी करेंगे तो बनी हुई है। app.js जो है इसको यहाँ से एग्जिस्टिंग को रिमूव कर देंगे, तो ये क्लास बन गई। अच्छा सेव करते हैं, चला के देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आपके पास तो कोई डाटा नहीं, एम्प्टी रिकॉर्ड हमारा पास अभी तक नहीं है, उसका डाटा शो कर रहा है। मैं कुछ रिकॉर्ड डालता हूँ यहाँ पे, सबमिट किया तो ये देखिए एक रिकॉर्ड जो है यहाँ पर, तो रिकॉर्ड डालते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आपने देखा कि इस तरीके से और रिकॉर्ड भी ऐड हो रहा है। हाँ भाई बस बताओ ले रही है। अच्छा आज इसको मैं यही तो रखता हूँ, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा इतने दिनों बाद क्लास ले ली थी उन्हें, आपके नेक्स्ट क्लास में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह को देखेंगे, कैसे रिपोर्ट बनाएंगे डेटाबेस में, कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद में आपको टेम्पलेट और करवाएंगे और उसमें भी देखेंगे। ठीक है।